चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रफ्तार के कहर की। नागौर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, ट्रेलर की क्रूजर गाड़ी से आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 11 लोगों की जो है मौत हो गई है, 8 लोगों ने घटना स्थल पर दम तोड़ा है। घायलों ने नोखा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, यानी कि जो 3 घायल थे उन्होंने नोखा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 7 घायलों को बीकानेर जिला अस्पताल जो है रेफर किया गया है। मृतक एमपी के सज्जन खेड़ाव दौलतपुर निवासी बताए जा रहे हैं। श्री बालाजी गोलाई में हुआ ये पूरा सड़क हादसा, तो बेहद दर्दनाक खबर इस वक्त आपके सामने। ये सड़क हादसा किस तरीके से हुआ वो हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेलर और क्रूजर में आमने सामने की भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी, ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस पूरे हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 7 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका इलाज वहां पर जारी है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो घायल हैं वो सकुशल वापस घर लौटे, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो 11 लोग हैं जिनकी इस पूरी सड़क दुर्घटना में, सड़क हादसे में मौत हुई है, वो उनमें से 8 लोग जो थे उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 जो लोग थे उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यूनुस, अभी क्या अपडेट है? मृतकों की संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि 8 के मृतकों के शव है वो श्री बालाजी मोचरी में रखा गया है, 3 मृतकों के शव है वो नोखा अस्पताल के अंदर रखा गया है। मृतकों की संख्या टोटल 11 हो गई, 4 बीकानेर रेफर किए गए जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों को नागौर जिला प्रशासन ने सूचित कर दिया गया है। जी यूनुस, तो परिजन जो है उनको सूचित कर दिया गया है, क्या परिजन यहाँ पर आने भी वाले हैं? मृतकों के परिजन कुछ देर में वहाँ से रवाना होंगे, इसके बाद में मेडिकल बोर्ड से ये प्रक्रिया शुरू होगी, मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं। जी यूनुस, प्रशासन की तरफ से कौन कौन वहाँ पर पहुँच चुका है और कौन कौन कितनी देर में वहाँ पर पहुँचने वाला है? प्रशासन की तरफ से देखें तो वरिष्ठाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं, श्री बालाजी थाना पुलिस मौके पर है, ग्रामीण वहां मौके पर है। जिस तरह से हादसा पेश आया है क्रूजर का और ट्रोलर का, इसमें टोटल मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। मृतकों की संख्या 11 है यूनुस, और ऐसे में जो घायल लोग हैं उनके उपचार के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी घायलों को बीकानेर जो रेफर किए गए हैं उनको अच्छा सा अच्छा ट्रीटमेंट मिले, जिला प्रशासन ने बीकानेर जो प्रशासन है उनको अवगत करा दिया गया, और जिला कलेक्टर और नागौर जिला पुलिस अधीक्षक भी कुछ ही पलों में वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचने वाले हैं। यूनुस, मृतकों और घायलों के बारे में क्या जानकारी? ये सभी जो मृतक हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास में गाँव है वहाँ रहने वाले हैं, जो रामदेवरा जो धार्मिक स्थल है वहां पर ये अपनी निजी जो गाड़ी है क्रूजर उसको लेकर ये सभी लोग गए थे, और वहां से दर्शन करने के बाद वापिस लौटते समय जो नोखा जो बाईपास है श्री बालाजी के पास में वहां पे ये सड़क हादसा पेश आया। यूनुस, अभी क्या ये बात पता चल पाई है कि जो मृतक है इनमें से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? मृतकों में महिलाएं की संख्या ज्यादा है, 7 या 8 अभी तक सामने आ रही है, यानी कि महिलाएं जो हैं उनकी ज्यादा मौत हुई है। तो ऐसे में बेहद दर्दनाक हादसा भी यूनुस, और साफ तौर पर रफ्तार का कहर किस तरीके से बरपा है ये पूरी खबर बता रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।